ओम शांति, ओम शांति। आज की ज्ञान मुरली की तारीख है 3/2/11 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है हमें रावण की जेल से मुक्त करने वाले और शोक वाटिका से अशोक वाटिका में बिठाने वाले, स्वर्ग की सैर कराने वाले, स्वर्ग में ले जाने वाले। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने, अर्थात नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाने। आज का प्रश्न है, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई है? उत्तर है, हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। आज से 5000 वर्ष पहले क्या था? भारत स्वर्ग था। तो अपनी स्मृतियों को 5000 वर्ष पहले के स्वर्ग को याद करने के पीछे लगाइए। तो पहले क्या था? स्वर्ग था। हीरे सोने के महल थे, तुम सारे विश्व के मालिक थे, धरती और आसमान सब तुम्हारा था। देखो कितना सुंदर वर्णन है और कितनी बाबा नशा चढ़ाने वाली वह जो प्रैक्टिकल दुनिया आने वाली है, जहां हम जाएंगे बाबा हमें फिर से वो दुनिया याद करा रहे हैं और अपने महावाक्यों के द्वारा, बोल के द्वारा उस दुनिया का साक्षात्कार भी करा रहे हैं। तो तुम मालिक थे, धरती और आसमान सब तुम्हारे थे। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहां पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। कितनी बड़ी खुशखबरी, जो हमारे पास तो है ही, लेकिन हमें पूरे विश्व की सर्व आत्माओं को यह खुशखबरी सुनानी है कि बाप आए हैं ऐसी नई दुनिया स्थापन करने के लिए। गीत आज का बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, कांटों से फूल बन फूलों का बगीचा, सतयुग, सतयुग को स्थापन करने की सेवा करनी है, कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। और देखो ड्रामा अनुसार आज हम भी आपको बगीचे में बैठ करके और अपने प्यारे प्यारे बागबान की यह मुरली सुना रहे हैं, चैतन्य मीठे मीठे बाप दादा के सुगंधित पुष्पों को। तो नंबर 1, कांटे से फूल बन फूलों का बगीचा, सतयुग स्थापन करने की सेवा करनी है, कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। नंबर 2, रूहानी ज्ञान जो बाप ने, बाप से सुना है, वही सबको सुनाना है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, एक बाप को ही याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। वरदान है आज का, देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले
सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़े? बहुत बड़ा त्याग, लेकिन सहज बाबा की याद में हो जाता है, और वो है देह अभिमान का त्याग। देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। यह अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। भाग्य विधाता के द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां प्राप्त भी होंगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। तो बाबा हमें रूहानी स्नेह की जो परंपरा निभाने की है वह भी सिखला रहे हैं कि बाप से प्रीत कैसे निभाओ। लौकिक प्रीत तो सभी ने निभाई, अब आया है समय परमात्मा के साथ प्रीत जोड़कर परमात्मा के साथ प्रीत की रीत निभाने का वक्त। तो बोलो, आप सभी भी यह रीत निभाएंगे ना? तो आज का स्लोगन है, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कांटे से फूल बनने वाले बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। उमर मेरे घोर अंधेरा, भूल न जाओ द्वार तेरा। उमर मेरे घोर अंधेरा, भूल न जाओ द्वार तेरा। इस बार प्रभु हाथ पकड़ लो, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो।